आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड 19 संक्रमण के तीसरे चक्र को देखते हुए मंडलायुक्त ने कुपोषित बच्चों के परिजनों को टीकाकरण कराने के दिए निर्देश। कहा, प्राथमिकता के आधार पर वनटांगिया मुसहर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का कराएं वैक्सीनेशन। मंडलायुक्त ने किया एम्स का निरीक्षण, बैठक कर कोविड की तैयारियों के संबंध में की चर्चा। दी आवश्यक दिशा निर्देश, कहा 30 बेड कोविड ट्रीटमेंट सेल को लेवल 3 में किया जाए परिवर्तित। कोविड संक्रमण के मद्देनजर मंडलायुक्त ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा, कोविड पॉजिटिव मरीजों का जाना हाल। कहा, कोविड संक्रमण के रोकथाम में निगरानी समितियों का बहुत बड़ा है रोल। मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत जिले में चलाया जा रहा है वृहद सफाई अभियान। सैनिटाइजेशन के साथ चलाया जा रहा है फॉगिंग अभियान। कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को जीडीए वीसी ने दिया प्रशिक्षण। कहा, होम आइसोलेशन के मरीजों से लगातार बनाए रखे संपर्क, मरीजों को ना होने पाए कोई दिक्कत। खोराबार ब्लॉक का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, निगरानी समिति के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, मंडल के चारों जनपदों में पहुंचे शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए एडीएम सिटी व एसपी सिटी के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। अनावश्यक घूम रहे लोगों का किया चालान, एसपी सिटी ने लोगों से की अपील। कहा, अनावश्यक घर से ना निकले बाहर, नहीं तो वसूला जाएगा जुर्माना, किया जाएगा चालान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीबीआरओ ने कहा, गांव में निगरानी समिति के माध्यम से कोविड संक्रमितों का हो रहा है इलाज, दिया जा रहा है उचित परामर्श। गोरखपुर में सोमवार को मिले 478 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 54,952। अब तक 571 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 6,411 हो गए एक्टिव मरीज। से वो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रविवार की देर रात एसएसपी ने किया जिले के 4 क्षेत्राधिकारी के कार्य क्षेत्र में बदलाव। एएसपी राहुल भाटी को मिला सीओ कैंट का चार्ज। कहा, क्राइम कंट्रोल करना होगा पहली प्राथमिकता। पीपीगंज पुलिस ने अपहरण में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अपहरण पीड़िता को सकुशल किया बरामद, अभियुक्त को भेजा जेल। अब गरीब परिवारों के किसी भी व्यक्ति की मौत पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी प्रदेश की योगी सरकार। डीपीआरओ ने कहा, ग्राम पंचायत के राज्य वित्त के फंड से 5,000 रुपए कराया जाएगा मुहैया। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए जिला महिला और पुरुष अस्पताल में शुरू हुआ पोस्ट कोविड ओपीडी। चिकित्सकों ने कहा, ब्लैक फंगस से बचने के लिए सीलन से रहें दूर, लक्षण दिखने पर तत्काल कराएं इलाज। कैंपियरगंज पुलिस ने नेपाली ब्रांड के अवैध विदेशी मदिरा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बरामद किए नेपाली ब्रांड की कुल 80 सीसी शराब और एक मोटरसाइकिल। कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कराए जा रहे कोविड के वैक्सीनेशन का जिला अस्पताल सहित 76 बूथों पर देखने को मिला असर। 45 साल से ऊपर के 10,194 तथा 18 साल से ऊपर के 6,087 लोगों ने कराया टीकाकरण। मंडलायुक्त ने कहा, नहीं है वैक्सीन की कमी, नंबर आने पर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। तावते तूफान का जनपद में दिख सकता है असर। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 20 मई के बीच तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की है संभावना। और महानगर में सोमवार को भी देखा गया कोरोना आंशिक कर्फ्यू का आंशिक असर। एसपी सिटी ने कहा, आवश्यक कार्यों से निकलने वालों के अलावा बेवजह घूमने वालों पर की गई है कार्यवाही।